डॉक्टर जाकिर नाइक जो कि इस वक्त पाकिस्तान में एज अ स्टेट गेस्ट के तौर पर मौजूद है, उनका एक बयान सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि 12 साल की गर्ल एक 113 साल के ओल्ड मैन से जो है मैरिज कर सकती हैं अगर लड़की चाहे या लड़की के माँ बाप चाहे। और इफ अ वुमन ऑफ 13 इयर्स ओल्ड फाइंड द वर्चुअस मैन ऑफ 112 इयर्स, आई वुड प्रेफर इफ आई नो इज वर्चुअस, इफ आई नो नॉट ही टॉम डिक एंड हैरी, आई वुड नॉट मैन गिव माय डॉटर इफ आई नो दैट इज अ वर्चुअस मैन and we'll see to it that he takes my daughter to Jannah, I would not mind. पाकिस्तान में विमेन बहुत ज्यादा इस वक्त जो है गुस्से में नजर आ रही है डॉक्टर जाकिर नाइक के हर गुजरते बयान के ऊपर। तो सलाह हो नहीं था। तो कैसे हो आप सब, आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। ठीक है, ठीक है जी। कोई भगोड़ा नालायक है ना, पाकिस्तान को जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। अब जो उसने भंड मारा है ना, इस महीने का सबसे बड़ा भंड है। भगोड़े ने बोला है कि 13 साल की लड़की के लिए 113 साल का बुढ़ा मिल जाए तो वो लड़की जन्नत में जाएगी उसके साथ, अगर उसका निकाह करवा दिया जाए बुढ़े के साथ। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वैसे तो बोलते हैं कि ऐसे बुढ़े का एक पैर केले के छिलके पर होता है, लेकिन ऐसे बुढ़े का तो केला ही खुद कब्र में चला गया होगा। समझ गया। और वो लड़की 13 साल की अपने डायपर चेंज करेगी या इस बुढ़े के डायपर चेंज करेगी? वो बुढ़ा खुद वेंटिलेटर पर होगा, उसका क्या ख्याल रखेगा? इनके अकॉर्डिंग लड़की बाहर नहीं जा सकती बिना शोर के, तो वो खुद पड़ा होगा बेड पर। मतलब इससे अच्छा यार तुम लड़की को खुट्टे के बांध दो, पेड़ के बांध दो, कब्र से किसी कब्र में पड़े मुर्दे के साथ निकाह पड़वा दो उसका। मतलब क्या रह जाता है निकाह का? और वो जब लड़की बालिग होगी तब तक तो बुढ़ा हो सकता है निकल ही ले, और नहीं निकला भी तो भी करेगा क्या है। और इनके मौलाना मुफ्ती तो ऐसे भी बोलते हैं कि जो लड़कियां हैं उनका कमाना भी हराम होता है, तो फिर लड़की कमाएगी नहीं, वो बुड्ढा वैसे ही मरा हुआ या मरे हुए के समान पड़ा हुआ गिरा हुआ, तो कमाएगा कौन? अब इनका खुद का ही ये दोगलापन है, इतना भ्रम है कि मैं क्या कहूँ। तो भगोड़ा नालायक के इसे भद्दे बयान को लेकर पाकिस्तान के पत्रकार गई है पाकिस्तानी पब्लिक के बीच ये जानने के लिए कि वो भगोड़ा की इस दलील को सही बताते हैं या फिर लड़कियों के हक में बोलते हैं, लड़कियों के लिए आवाज उठाते हैं, लड़कियों के बारे में कुछ सोचते हैं। चलिए देखते हैं। बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि 13 साल की बच्ची क्या 113 साल के बंदे के साथ शादी करे। 13 साल की बच्ची मतलब फिफ्थ क्लास की बच्ची। हमारी बहनें भी हैं, हम तो कभी एग्री नहीं करेंगे। तो हमारा एक कल्चर भी है जिस कल्चर में हम एज को बहुत कंसिडर करते हैं, दादा दादी नाना नानी चाचा फूफा, हमारा एक कल्चर भी है। तो कल्चर को भी कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि टारगेट किया है उन्होंने? हाँ जी, कल्चर को मेरे ख्याल से टारगेट किया उन्होंने, के वो यही चाह रहे हैं कि हम सारे फिर से उसी तरह की बैक साइड पे चले जाएं कि जिस पुराने दौर में बच्चियों की शादी कर देते थे। हाँ एग्री है कि 20 साल का लड़का है 13 साल की लड़की, अब समझ आया क्योंकि वो समझाएगा उसे। ठीक है, 113 साल का बूढ़े बंदे में जब खुद ही कोई समझ नहीं होगी, वो तो होगा पुराने ख्यालात का, वो कहेगा आपने यूं करना है आपने नहीं करना यूं। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ये भी तो कहते हैं कि साइंस ये कहती है कि 113 साल का जो आदमी है वो बच्चा पैदा कर सकता है, तो फिर क्या मसला है? कर सकता है लेकिन बात नहीं तो कर सकता, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, 113 नहीं कर सकता यार। वो जवान 100 साल के बाद फिर से बंदा जवान होने लग जाता है। हाँ जी, आप हमारे परदादे हैं यार, अभी 100 साल के बाद बंदा फिर जवान हो। हाँ जी, दांत वापस आने लग जाते हैं तो जहरी बात है। हाँ? नहीं कर सकता बच्चा पैदा वो। तो फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इतनी बड़ी बात ऐसे थोड़ी ना, वो तो गलत बात की है ना उन्होंने। हाँ? जो बात भी है वो उन्होंने गलत बात की। इंशाल्लाह डॉक्टर जाकिर नाइक से अल्लाह करे जिंदा रहे तो 113 साल बाद फिर देख लेंगे। इंडिया ये कह रहे हैं कि जब हमने निकाला तो पाकिस्तान ने कहा कि क्यों निकाला, अब आपको क्या लगता है कि इंडिया का जो डिसीजन था वो ठीक था? नहीं, डिसीजन तो खैर ठीक नहीं था। वो कहते हैं कि पाकिस्तान से बेहतर इंडिया अच्छा। स्कॉलर की बात करें तो उनसे कोई अच्छा बंदा है नहीं मेरे ख्याल से। रिलीजियस स्कॉलर मतलब को बहुत अच्छा कंपेयर करते हैं। एजुकेशन उनकी मतलब एक पढ़ा लिखा बंदा अगर ऐसी बात करते ना फिर दुख होता है कि मतलब के वो इस तरह की बात बजाय चेंज लाने के। मतलब कि आप आज के दौर को देखें ना, बेशक बात ठीक ही है उनने के, लेकिन ये बात से हम एग्री नहीं करते कि 13 साल की बच्ची और 113 साल का बूढ़ा गुनाह है। अगर पाकिस्तान के आईन की बात करें तो देखें मुल्क के अंदर अगर 18 साल से कम उम्र बच्ची की शादी होती है और अगर पुलिस को पता चल जाता है तो फौरन माँ बाप सब फैमिली अरेस्ट हो जाती है। लेकिन वो तो ओपनली कहते हैं कि इस्लामी माशरा इस चीज़ की इजाज़त देता है? नहीं, बिल्कुल नहीं देता। कि वो कह रहे हैं कि अगर 113 साल का बुजुर्ग आदमी अगर वो नेक है और आपकी बेटी को जन्नत में ले जा सकता है तो 12 और 113 का कोई फर्क नहीं, करवा दो शादी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये बात किया।
शादी का तो मसला और है, ठीक है, जो बुजुर्गी और जन्नत का मसला है वो और है। नहीं वो तो जोड़ रहे हैं ना, ऐसे ही स्टेटमेंट है उनकी। अच्छा, 100 साल का फर्क तो डिफरेंस नहीं, असल में जो बुजुर्ग आदमी है तो उसका तो शादी के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है उसका। अच्छा। जवान बच्ची है तो उसका अलहदा मसला है, उसका अलहदा ख्वाहिशात है, नफ्स उनके साथ लगा हुआ है, ठीक है। बुजुर्ग आदमी है वो तो होगी एक्सपायर। हाँ, ठीक हो गया, बुजुर्ग एक्सपायर हो जाते हैं जी। वो तो कह रही है, साइंस कह रही है 113 साल का जो बुजुर्ग इंसान है वो तो बच्चे पैदा कर सकते हैं। मेरे जहाँ तक तजुर्बा है ना, आजकल के जो जवान है तो 45 साल से ऊपर वो एक्सपायर ही है, आगे गुजारे पे काम चल रहे हैं। 45 साल के बाद उन पे बुढ़ापा आ जाता है। बिल्कुल। अब मैं हूँ, हाँ। मैंने 16 साल में शादी की, मैं 8 बच्चों का बाप हूँ। 8 बच्चे हैं माशाल्लाह। 3 मेरे बेटे हैं, 5 मेरी बेटियाँ हैं। और बीवियाँ भी एक हैं कि ज्यादा एक ही बीवी है। अच्छा, ठीक है, वो कह रहे माशाल्लाह, ठीक हो गया। तो आप मुफ्ती हैं या मौलाना हैं? मैं हाफिज कुरान हूँ। अच्छा, हाफिज कुरान है। तो आपको क्या लगता है, डॉक्टर जाकिर नाइक को बुलाना चाहिए था पाकिस्तान में? क्यों नहीं बुलाना चाहिए, मुसलमान है। नहीं है मतलब, आप लोग भी तो सब है ना, माशाल्लाह से 99% पाकिस्तान के बादी मुसलमान है। वो बिल्कुल है, लेकिन अल्लाह ने उससे बहुत काम लिया हुआ है, ठीक है, एक अल्लाह का बंदा है। हाँ। और इंडिया में अल्लाह ने उससे कितना बड़ा काम लिया हुआ, लाखों तो इंडिया से क्यों भाग गए फिर? वो तो उधर लोग छोड़ ही नहीं रहे थे ना, उस वजह से मिला ही इंडिया से है, लेकिन वो लोग छोड़ ही नहीं रहे थे, उनको साथियाँ किधर है उधर, वो तो कोई जेल में चले गए, यही है उसको उन्होंने उधर से निकाला है। हाँ। तो मजबूरन वो बाहर चला गया है। हाँ। यहाँ से लोग नहीं है, इलियास गुमन साहब कितने बड़े आदमी, इंडिया की तारीफ करें कि इंडिया बहुत अच्छा है, ठीक है ना, क्यों नहीं अच्छा है। इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं कि 113 मतलब 113 नहीं नहीं है, आप उस बंदे के डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, यही बात करना चाह रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये बात बिल्कुल गलत की है कि 13 साल की बच्ची की शादी 113 साल के बूढ़े से बिल्कुल भी नहीं हो सकती। आपकी बेटियां हैं ना, आपकी है ना, मेरे बेटी है, मैं किसी को दूंगा तो उसके मुकाबले वाले उम्र को दूंगा। अब ये अगर कोई बच्ची कह रहे है कि मुझे ये बात पसंद है और ये बुढ़ा मुझे पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, इस्लाम उसको इजाज़त देता है, कर सकता की तो इजाज़त है। 12 साल की बच्ची को कैसे पता होगा कि मुझे 113 साल का बुढ़ा पसंद है? क्लास में पढ़ती होगी या 5th क्लास में पढ़ती होगी, 12 साल और उसे एक बुजुर्ग के साथ दे देना ही कुछ होगा, वो तो टीनेज में भी नहीं होगी। आप तो ये भी देख, 5th क्लास का नहीं है, जब तक बच्ची बालिग नहीं है कम से कम उसका 16 से 18 साल उम्र। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि 13 साल के जो उन्होंने पैगाम दिया कि 13 साल की बच्ची कर सकती है, ये तो हम इस बात को ये भी कह सकते हैं कि बच्ची के साथ ज्यादती वाला सीन है। इस्लाम के जो मसला है ना, उस शर्त जो है वो बालिग होने में, अगर वो बच्ची 13-14 साल के बच्चे बालिग हुए उसका ये कि जो उसका वो महवारी है, वो अगर 14 साल में बच्ची को आए वो शादी के काबिल है, वो कर सकता है। लॉ भी तो कहता है ना कुछ, एज अ पेरेंट्स मतलब कि कल को मेरी बहन मुझे कहे, ठीक है कि मैंने करनी है 113 साल के लिए 113 साल के बंदे के साथ, तो आपको क्या लगता है कि हमारा जमीर मानेगा कि इस चीज के लिए कि हम 113 साल? आप भी बैठे, आप भी जापान बैठे हैं, ठीक है, एक और बात है, एक और बात यह है कि अगर वो, चलो हम मानते हैं कि शादी हो जाती है, वो अगले दिन ही मर जाए वो बंदा, 113 साल वाला बंदा इतनी एज को जो पहुंच गई, देखो 113 साल, आज के जमाने में 50 साल मुश्किल से जिया जाता है, 50 साल भी मुश्किल से जिया जाता है। 113 साल मतलब लास्ट स्टेज है, उसके बाद बच्ची का क्या होना है? मरने का जो बात है ना, वो अल्लाह के हाथ में, वो जवान भी अभी मैं हूँ, मुझे क्या पता कि मैं ये रोड क्रॉस कर सकता हूँ, मैं यहाँ से जाके वहाँ तक चला जाऊँ अंदर, कोई पता नहीं है मेरी मौत हो जाए, मुझे तो नहीं पता ना पीछे, लेकिन बच्ची की जिंदगी तो गई, मतलब लेकिन पीछे बच्ची की जिंदगी। और हम कल्चर को भी फॉलो करते हैं ना, कल्चर। आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? अच्छा मेरी बात सुने, इसमें दो चीजें हैं। हाँ, क्या चीजें? आप भी पॉइंट, एक तो स्टेट लॉ है। हाँ, और एक इस्लामिक लॉ है। यस, एक इस्लामिक लॉ है। ठीक हो गया। इस्लामिक लॉ में तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। हमारी माँ जो है हजरत आयशा, उनकी 6 साल में शादी हुई थी और 9 साल में रुखसती हुई थी, ठीक है। अरब की लड़कियाँ जल्दी जवान हो जाती है। अच्छा, हर रीजन की औरतों का डिफरेंट, लोगों का फिजिक्स है, क्लाइमेट है, ठीक हो गया, सही हो गया। अब स्टेट इस्लामिक लॉ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 60 साल का बंदा 10 साल की लड़की से शादी कर सकता है इस्लामिक लॉ में, ठीक है। लेकिन आपको देखना पड़ेगा फिर स्टेट लॉ क्या कहता है, सही है। हमारे स्टेट लॉ में अगर जैसे अमेरिका है, वहाँ पे 18 ईयर्स स्टेट लॉ है कि 18 ईयर्स से पहले हमारा भी 18 हो गया, हमारा 18 ईयर। अब दो चीजें कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं,
आप स्टेट लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकते। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अभी कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले है। ठीक है, आपको अगर फॉर एग्जांपल किसी भी मुल्क में ये स्टेट लॉ, ये लॉ नहीं है कि उम्र की हद गवर्नमेंट ने नहीं की हुई मुक्त, तो फिर आप इसमें कोई लेकिन अगर नहीं पाकिस्तान की बात करें तो ये जायज नहीं होगा। हमारा कानून हमें इजाजत नहीं देगा। लड़के वाले भी अरेस्ट होंगे, लड़की वाले भी अरेस्ट होंगे कि आप 12 साल की बच्ची का 113 साल के बुड्ढे से शादी कैसे करा सकते हैं? देखें मेरी बात सुने, तो ये मैं कह रहा हूँ अपनी कंट्री में। देखें हमारी कंट्री इस्लामिक लॉ से तो नहीं चल रही ना, जमहूरियत से चल रही है ना। मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि हर कंट्री का डिफरेंट फिजिक्स, डिफरेंट चीजें होती हैं। बाय इस्लाम यानी इसमें कोई इशू नहीं है। जो उन्होंने बात की है ना वो बायोलॉजिक ठीक है, लेकिन हर मुल्क में इसका डिफरेंट इफेक्ट होगा। पाकिस्तान में हमारी गवर्नमेंट ने क्या है एज मुक्तस की है, क्योंकि हमारे हालात डिफरेंट है, हमारे हालात डिफरेंट है। हम अपने अपने मुल्क के हिसाब से देखेंगे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं हम जा सकते। जो गवर्नमेंट ने कह दिया, अगर फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर जाकिर नायक तो ये भी पाकिस्तान में ही कहा है कि जी जो लड़कियां शादी नहीं करती वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, और ये सबसे अच्छा वर्ड है, इससे बेहतरीन वर्ड मेरे पास नहीं है। अब लड़कियां कुछ मजबूरी के तहत कमा रही हैं, कुछ पढ़ रही हैं, कुछ इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, सबके घर माँ बहन बेटी है, तो ये फिर बात सब पे लागू होती है। देखें स्टेट जो है ना, स्टेट के अगेंस्ट हम नहीं जा सकते, कोई भी इंसान, कोई भी इंसान नहीं, बेशक। और वो स्टेट गेस्ट है, ठीक है, वो अपना ओपिनियन देंगे। हाँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो वो ओपिनियन दें, फॉर एग्जांपल जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दी थी कि मैं वहाँ से आ रहा था तो मैंने कहा मेरा 600 केजी एक्स्ट्रा वेट है। हाँ। तो आप उसको एडजस्ट करें। 70 लाख रुपया बन रहा था उसका PIA, तो बेचारी पहले कर्जों में डूबी हुई है, और आप इतने अमीर हैं, आपको तो एक एक पाई झुका देनी चाहिए थी, उल्टा स्टेट गेस्ट होके स्टेट को ही रोस्ट करी जा रहे हैं। चलें आप गुस्सा ना करें, कोई बात नहीं, लेकिन बात यह है कि वो देखें लॉजिकली तो बात हो भी गई, बुलाने की जरूरत क्या थी? नहीं वो तो कोई भी आ सकता है इसमें, तो कोई वो तो आप देखें मजहबी एक्सट्रीमिज्म जिस तरह बढ़ी, लेकिन आप इस बात से है कि 13 साल की बच्ची 113 साल के नौजवान उसके साथ बूढ़े के साथ शादी कर सकती है। हजरत आयशा की एज 6 साल में शादी हुई थी, हमारी माँ हजरत आयशा की उम्र 6 साल में शादी हुई थी, ठीक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज तब 50 के करीब थी, 45-50 के करीब, 54 ठीक है, ठीक है, 6 साल की। तो आज के दौर में कैसे आप उसको जस्टिफाई करोगे? भाईजान हर मुल्क की फिजिक्स, हर मुल्क की, और उसके पीछे मसलतें होती हैं। हम ये इस्लामिक लॉ और स्टेट लॉ दो डिफरेंट चीज़ें हैं। इस्लाम ने हमें एक क्राइटेरिया बता दिया, उस पर हमारी गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारे हालातों वाकयात डिफरेंट है, हमारे बच्चों के साइजेस डिफरेंट है, हमारी बच्चियों की ग्रोथ डिफरेंट है, इसलिए 6 साल में हम अफोर्ड नहीं कर सकते यहाँ पर आजकल। तो आजकल के ज़माने में हमें, हमारी एज है 18। अभी डॉक्टर जाकिर नायक ने इस्लामिक पॉइंट किया है, तो हमारी अपनी सेंसेस हैं, हमारे हमने अपनी स्टेट को भी फॉलो करना है। तो यानी कोई भी बंदा है वो अपना ओपिनियन दे सकता है, उसने अपना ओपिनियन दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके पीछे हम डंडे लेके चढ़ जाएं, ठीक है, उसका अपना ओपिनियन है वो। मतलब एग्री, जैसे यूथ एग्री नहीं करी, आप तो एग्री और डिसएग्री होना हमारी खुद की चॉइस है। हाँ। पास इतना नॉलेज भी तो नहीं है ना, देखें वो जो आपको पॉइंट दे रहे हैं ठीक है, उनके पास नॉलेज भी तो नहीं है कि वो हमसे बहस कर सके। यही तो मैं यही कह रही हूँ ना, क्योंकि देखिए हर बंदे चीज को अंडरस्टैंड, देखिए मेरी बात सुने, हर बंदा हर स्टेटमेंट को डिफरेंट लेवल से अंडरस्टैंड करता है, ऐसे ही है ना। ऐसी कोई कोई वो जैसे आपने बात की, लेकिन जैसा आज का जमाना है ना, वो जमाना तो कितना वो है, पाक जमाने थे ठीक है, और उनका जमाना कोई पाक जमाना है, आज का जमाना कोई पाक जमाना, वो पाक जमाना तो नहीं था, पाक जमाना है। हजरत आयशा की शादी किन के साथ हुई थी? कितने हमारे रसूल है ठीक है, कितने पाक थे ठीक है, थे ना वो, एक आप वो तो देखें ठीक है। आज के दौर में अगर 113 साल का बंदा 13 साल की लड़की से कह रहा, हम सब खड़े, आप भाई खड़े हैं, आपके दिमाग में क्या आएगा? कहेंगे ना ठरकी है बुड्ढा, कर लेगा ना बंदा ठीक है। आज का दौर ऐसा है भाई, वो दौर और था, और वो बंदे भी और थे, बंदे इसके ऊपर अमल करेंगे, और ये दौर दौर की बात है, सबके सब अगर आप ठरकी नहीं है तो फिर अपना इलाज करवाएं भाई जान। डॉक्टर जाकिर नायक वाली बात इन्हें लगा दी है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर आप 20 मिनट तक
ये बात बिल्कुल सही है। माशरे में कोई अच्छी चीज़ है तो नहीं। एक बात सुनो, मेरी एक बात अमेरिका देखे, कनाडा देखे, टर्की देखे, मेरी एक बात सुनो, वो है रिलीजियस स्कॉलर, वो बात करेगा रिलीजन के हिसाब से, ठीक है। अब सुने, अब सुने, अब सुने, खराब नहीं हो रहा, वो डॉक्टर के पास जाए 100%। अब मैं एक लड़का हूँ ना, मेरी बात सुने, मैं एक लड़का हूँ ना, लड़कों वाली फीलिंग्स मैं समझता हूँ या आप समझती हैं? मैं समझता हूँ ना, यहाँ जितने लड़के खड़े हैं वो समझते हैं कि लड़कों की फीलिंग्स क्या है। ये 100% बात ठीक है। अगर तो सर हम एक कल्चर, एक मजहबी माशरे में रहते हैं तो मजहब हमारा एक कल्चर है। देखे तो यहाँ देखे बीच में सुने, देखे सुने मेरी बात, हम अपनी बहनों की बाप बेटियों की फिर यही करें, उन्हें स्टडी नहीं करानी, 12 साल में उनकी शादी कर ली है सबसे पहले, किसी का धरक उतारने बुड्ढों का, मैं तो यही कहूँगा। और सुन लो बात कर लो, एक सेकंड, एक आप बात कर लेना, दोनों ग्रुप्स बात कर लें, सेग्रीगेट कर लें पहले, सेग्रीगेट कर लें पहले, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है या हमने अपने मुआशरे के हिसाब से। देखो जैसे ये हमारी बहन खड़ी है ना, अब ये हमारा मुआशरा, हम इसको इस्लामिक मुआशरा तो नहीं कह सकते कि ऐसे मुआशरे में हम जो बात कर रहे हैं इस तरह, इस्लामिक मुआशरे में तो ये पॉसिबल नहीं है। आप मुझे करके दिखाएं सऊदी अरबिया में जाकर, शरिया में नहीं है ना, इसका मतलब है कि हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू पे बात नहीं कर रहे, यहाँ पे खड़े हो गए। हम जो एक सेकुलर लिबरल बात कर रहे हैं ना, तो उसमें ठीक है, आप जैसे मर्जी करें। वैसे मुझे लगता है भगोड़े नालायक को अपनी बेटियों का निकाह 213 साल के बुड्ढे से कर देना चाहिए, अगर मिल जाए लालटेन लेकर ढूंढने से तो हो सकता है वो जन्नत में ही नहीं बल्कि जन्नत में जो हूरे मिलती है उनकी मुखिया बन जाएगी, हेड बन जाएंगी, उनको चलाएंगी, है ना। मुझे समझ में नहीं आता ऐसे बुड्ढे की कुछ लाइफ नहीं होती, फिर वो लड़कियां क्या करेंगे उस बुड्ढे के टपक जाने के बाद। उनको ना इतना सलीका सिखाया जाता है रहने का, हमें ये सिखाया जाता है कि सफल लोगों से सीखो, कुछ सीखो, उनका अनुसरण करो, और फिर ये बस, और फिर ये ऐसी मानसिकता की हो जाएंगी जलनखोर। इनको सिखाया ही जाता है ईर्ष्या। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या थॉट्स हैं इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो यो किट्टू भाई।